छोटे बच्चों को विटामिन ए की कमी क्यों होती है? विटामिन ए की कमी होने का मुख्य कारण है कि खान पान में पूर्ति ना होना विटामिन ए का। विटामिन ए हम ज़्यादातर सब्जियां या फल के द्वारा हमारे शरीर में अंदर आ जाता है, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनको सही मात्रा में ये पोषण तत्व ना मिलने की वजह से विटामिन ए की समस्या सामने आती है। इस तरीके की गंभीर समस्याएं हो सकती है मैडम इसकी कमी से। सबसे जो पहला लक्षण होता है जो माँ बाप को नोटिस करना चाहिए वो होता है रात को कम दिखना, रतौंधिया जिसको बोलते हैं। और दूसरा होता है कि आँखों के सामने ड्राइनेस आ जाता है, आँखों की जो पुतली होती है उसमें अल्सर की परेशानी हो सकती है। ये सारी परेशानी आ सकती है विटामिन ए की कमी होने की वजह से। विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए मैडम अभिभावक जो है बच्चों को किस तरीके का आहार दें, क्या चीज़ें जरूरी होती हैं उसके लिए? सबसे पहला तो बच्चे को विटामिन ए का जो डोज होता है, जो हम वैक्सीनेशन के प्रोग्राम के तहत आता है, हमको विटामिन ए का डोज हर बच्चे को 5 साल तक देना है। उसमें जो डोज होता है 6 महीने के बच्चे के लिए 50,000 तक का डोज हम देते हैं, 6 महीने से 1 साल के लिए 1 लाख तक, और उससे ज़्यादा बड़े बच्चे के लिए हम 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट का डोज हम दिया जाता है। दूसरा तरीका होता है कि आप खान पान में जो पीला कलर नारंगी कलर के जो फल होते हैं, गाजर हो गया, सेब हो गया, ये सारी चीज़ें, हरा पालक हो गया, जितने भी रंग बिरंगे जो फल और सब्जियां आते हैं हमको बच्चों को वो खिलानी है जिसमें बीटा कैरेटिन पाया जाता है। इससे जो हमारी जो विटामिन ए की कमी होती है वो दूर होती है। सबसे पहला तो बच्चों को रात को कम दिखने का परेशानी, जिसको हम बोलते हैं रतौंधिया। दूसरा होता है आँखों में झुर्रियाँ पड़ना। तीसरा होता है पुतली में अल्सर होना या पुतली में घाव हो जाना। चौथा होता है कि पूरी आंखों में रोशनी कम हो जाती है बच्चों की, उनकी पूरी रोशनी जा सकती है विटामिन ए की कमी से। तो तत्काल क्या इसको दिखाना चाहिए? सबसे पहले तो इनको आंख के डॉक्टर जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होते हैं उनके पास सबसे पहले आना चाहिए। उनसे हम प्राइमरी इलाज हम उनका शुरू कर देते हैं, साथ ही साथ उनको जो विटामिन ए का जो हम डोज होता है सिरप होता है हम वो देते हैं।